वालेकुम प्यारे बच्चों पिछले दो दिन से हम आपके इंग्लिश बुक की लेसन नंबर थ्री गुलेवर एमंग द लिटिल पीपल पढ़ रहे हैं कल आपने देखा कि गुलेवर को कैसे उन लिपुत ने मुश्किल में डाल दिया उसे लग रहा था कि ये लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं लेकिन आखिर वो उनके सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो गया आखिर भूख और प्यास ने उसको लिपुत के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर किया बच्चों आपने देखा कि किस तरह उन लोगों ने गुलेवर को खिलाया और पिलाया अब आगे द मेन टू दियर किंग एंड सेड दियर इज ए जेंट नियर द सी शोर ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड वट शैल वी डू विथ हिम ये लोग फिर अपने बादशाह के पास गए और कहा कि समंदर किनारे एक देव चीज़ है वो वहाँ पर सो रहा था हमने उसको जमीन के साथ बांध लिया है अब हम उसका क्या करेंगे द किंग वॉन्टेड टू सी द जेंट फॉर हिमसेल्फ ही सेड मेक अ वेरी बिग गॉट पुट द जेंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम हियर बादशाह इस देव का मत चीज़ को खुद देखना चाहता था उसने आ, उसने अपने लोगों से कहा कि आप एक कि आप एक बड़ा थैलिया रेडी बनाए और उस देव को उस पर डाल डालकर यहाँ लाए द टनी मैन सोन मेड वुडन कार्ड इट वॉज टू मीटर्स वायर एंड है ट्वेंटी टू व्हील्ज द व्हीलर्स वायर मेड ऑफ वुड इन लोगों ने जल्दी ही इन लोगों ने जल्द ही एक लकड़ी की रेडी बनाई ये रेडी दो मीटर चौड़ी थी इस रेडी के बाईस पहिया यानी टायर थे ये टायर भी लकड़ी के बने थे हंड्रेड ऑफ टनी हॉर्से फ्लुड द काट एंड हंड्रफटनी मैन जोइन टूगेदर टू टाई गलेवर टू इट इन लोगों ने सेंगड़ों घोड़े इस रेडी को खींचने के लिए लाए और फिर सेंगड़ों लोगों ने मिलकर गलेवर को इस रेडी के साथ बाँध लिया दिन द हॉर्से पुलट दि गलेवर ऑन इट फिर गोडो ने इस रेडी को खींचा जिस पर उन्होंने गुलेवर को बिठाया था नेक्स्ट डे दे रीचर द गेट ऑफ द सिटी देन द किंग ऑफ लिलीपुत कैम एंड सा गुलेवर ही वॉज वेरी सरप्राइज एंड सैट टू हिम सेल्फ ओह दिस मैन इज़ वेरी बिग हिज़ आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक टॉल ट्रीज दूसरे दिन ये लोग गुलेवर को लेकर शहर पहुंच गए फिर उनका बादशाह गुलेवर को देखने के लिए आ गया जब उसने गुलेवर को देखा तो वो हैरान होकर बोला अरे ये आदमी तो बहुत बड़ा है इसके बाजू वो टांगे जैसे ऊंचे दरखत हैं गुलेवर वॉज टेकन टू एन ओल्ड टेम्पल एंड पुट दियर द किंग्स मैन टर्ड वन ऑफ हीज ले विथ स्ट्रॉ चैन टू ए पिलर क्रॉड्स ऑफ पीपल कैम एंड साहम वेवर को ये लोग एक पुराने बंदर में ले गए और वहाँ ये रख दिया लिलिपुत, लिलिपुत वालों ने उसकी टांग एक मज़बूत खम्बे के साथ बांध ली ताकि वो भाग न जाए फिर लोगों की भीड़ लगी उसको देखने के लिए क्योंकि उनके लिए गुलेवर एक अजूबा था सम ऑफ शॉट एट हिम बट किंग दिस गुलेवर डिड सम ट्रक ट्रिक्स एंड किंग एंड हिज पीपल कुछ लोगों ने गुलेवर पर तीर चलाए लेकिन किंग ने उनको ऐसा करने से मना किया गुलेवर ने कुछ अजीब ट्रिक्स जिससे किंग और उनके लोग खुश हुए देन वन डे गैट टू द किंग प्लीज़ टेक अवे माय चैनज आई वांट टू वॉक अबाउट फिर एक दिन गुलेवर ने बादशाह से कहा कि मेरी जंजीरों को खोल दीजिए मैं थोड़ा चलना चाहता हूँ द किंग सेड दैट विल बी डेंजरस यू विल वॉक ऑन पीपल बॉडी एंड किल देम बादशाह ने गुलेवर से कहा ये खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि आप मेरे लोगों के क्योंकि आप मेरे लोगों को मार डालोगे नो आई विल बी केयरफुल आई विल नॉट किल एनी वन योर पीपल विल बी क्विट सेफ गेवर सेट नहीं मैं होशहारी से काम लूँगा मैं किसी को नहीं मारूँगा आपके लोग मज़बूत रहेंगे फिर बादशाह ने अपने लोगों से कहा इसकी जंजीरों को खोल दो ये कोई ख़तरनाक देव नहीं है इस तरह गलेवर को खुला छोड़ दिया गया और उसने कही महीने इन लप वालों के साथ गुजारे इस तरह ये लेसन कंप्लीट हो गई थैंक यू